यह है राज और राज को एक सवाल हल करने को मिला है आज, तो वो उसी में सोच में डूबा है। हिसाब लगाओ कि स्कूल की सभी चीज़ों पर एक साल में तुम्हारा कितना खर्चा होता है। फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन वन ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। तो यह सवाल जो है उससे पूछा गया NCERT की कक्षा चौथी की पुस्तक आसपास के पाठ 5 में कि आखिर उसके कुल मिलाकर खर्चे कितने हैं जब वो स्कूल जाता है। तो उसने सोचा कि चलो मैं देखता हूँ। राज जो है वो पास ही के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और उसने अपने मम्मी पापा की मदद से अपने स्कूल के खर्चे जो हैं वो इस तालिका में लिखे। देखिए तालिका में एक तरफ तो है चीज़ें यानी थिंग्स यानी जिस चीज़ पे खर्चा हो रहा है और दूसरी तरफ है खर्चा यानी मनी कितना स्पेंट हुआ। तो आइए देखते हैं राज ने कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए उसका खर्चा होता है स्कूल जाते हुए। तो फीस, स्कूल आने जाने का खर्चा यानी ट्रैवल, कॉपियाँ यानी कॉपीज, पेन पेंसिल यानी पेन पेंसिल स्केल कलर्स स्टेशनरी जो इस्तेमाल होती है, यूनिफॉर्म जो वो स्कूल की यूनिफॉर्म वर्दी पहनता है, बस्ता यानी उसका बैग, खाने का डब्बा जो वो खाना स्कूल लेके जाता है, जूते यानी उसके शूज़, और कुल मिला के कितना होगा वो हम देखेंगे राज के साथ मिलके। तो राज ने अपने मम्मी पापा से पूछकर उनकी मदद लेकर यह तालिका तो भर दी और साथ ही आगे जो इसका पैसा लगता है उसका खर्चा होता है वो सब भी उसने भर दिया। तो देखिए ज़रा उसने यह सब तो भर दिया कि फ़ीस कितनी है, कॉपी पेंसिल का खर्चा कितना है और सब मिलाकर कितना है। तो आइए हम अब राज की मदद करते हैं कुल मिला के कितना खर्चा होता है वो पता करने में। तो सबसे पहले देखिए सबसे ऊपर यह जो है यह है फ़ीस का खर्चा यानी उसके स्कूल की फ़ीस है 12,000। तो हम पहले सारे हज़ार जो हैं यानी 1,000 जितने भी हैं हम उसको प्लस कर लेते हैं। तो यह है 12,000 और यह जो 1,000 है स्कूल आने जाने का खर्चा ट्रैवलिंग का, उसे अगर हम जमा करेंगे तो यह टोटल कितना हो जाएगा, 12 और 1 कितना होगा 13 यानी 13,000। तो यह तो हो गया। अब इस 13,000 में अगर हम कॉपियों का खर्चा यानी 1,000 जोड़ देंगे तो 13 और 1 कितना हो जाएगा, 13 और 1 14 यानी कि 14,000 हो जाएगा। अब इस 14,000 में अगर हम और 1,000 जोड़ दें यानी यूनिफॉर्म का जो खर्चा है जो कि है 2,000, तो 14 + 2 कितना होगा 16,000 यानी 16,000। अब इसमें अगर हम जूते के जो खर्चा है शूज़ का 1,000 रुपीज़, तो 16 में अगर हम 1 और जोड़ दें तो हो जाएगा 17,000 यानी 17,000। अब सारे 1,000 तो यहाँ से चले गए, अब बचे हमारे पास 2,500 यानी स्टेशनरी का खर्चा, बस्ते का खर्चा, और बचे हैं 200 रुपये खाने के डिब्बे के। तो चलिए अब हम उन्हें भी इसमें जोड़ते हैं। अभी तक हमारा कुल मिला के 17,000 हुआ है खर्चा। अब ज़रा देखिए यह पेन पेंसिल और बस्ते का जो खर्चा है वो है 500 और 500 रुपये। 500 और 500 मिलाकर आखिर कितने होंगे, 500 और 500 मिलाकर हो जाएंगे 1,000 रुपये यानी 1,000 रुपीज़। तो अगर हम इसे जो हमारा 17,000 कुल हुआ था उसमें जमा कर दें यानी जोड़ दें तो 17 + 1 हो जाएगा हमारा 18,000 यानी 18,000 रुपीज़। तो अब यह हमारा 18,000 जो है अब तक का कुल आ गया है। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज़ बची है, वो है यह खाने का डिब्बा जिसके रुपए लगते हैं 200 रुपये। अगर हम उसे भी जोड़ दें इस 18,000 में तो 18,000 में 200 जब जमा हम करेंगे तो वो हो जाएंगे 18,200 रुपये। तो टोटल हमारा हो गया कितना, 18,200 रुपये जो है वो राज का कुल मिला के खर्चा है जो एक साल में उसका स्कूल का खर्चा पढ़ाई लिखाई पर खर्चा आता है। अब ज़रा देखिए यह खर्चा तो था राज का 18,200 रुपये यानी पूरे साल में 18,000 के करीब उसके पैसे जो हैं वो स्कूल की पढ़ाई में जाते हैं। अब ज़रा सुनिए सिमरन क्या कह रही है, वो कुछ कहना चाहती है। सरकार के जिस स्कूल में मैं जाती हूँ वहाँ सब स्कूल से मिलता है और कोई फीस भी नहीं है।
ये जितना भी सामान यानी राज को जिस पे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, सरकारी स्कूल में जिस स्कूल में सिमरन जाती है वहाँ पे उसे यह सब फीस उसकी कुछ नहीं है, स्कूल आने जाने का खर्चा भी नहीं है क्योंकि स्कूल पास में है, कॉपीज़ और पेन पेंसिल उसे स्कूल से मिलता है, यूनिफॉर्म भी, बैग भी और खाना मिड डे मील में मिलता है, तो उसका यह खर्चा तो नहीं लगता, ऐसा वो कह रही है। पर उसके मन में एक सवाल आया और वो हमसे वही सवाल पूछ रही है, पर फिर भी ना जाने क्यों इतने बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। तो सिमरन के मन में आया ये ख्याल कि राज का तो चलो प्राइवेट स्कूल है जहां वो जाता है और इतना खर्चा आता है, लेकिन सिमरन जो जिस सरकारी स्कूल में वह जाती है वहां तो यह सब खर्चा नहीं है, फिर भी ना जाने कितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, भला ऐसा क्यों होता होगा। आप भी सोचिएगा कि आपका जो स्कूल का खर्चा है वो कुल मिला के कितना है, क्या आपका भी राज जितना खर्चा है या फिर सिमरन की तरह आपके स्कूल का खर्चा कम है, क्या आपके आसपास के बच्चे सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर नहीं तो क्यों।